नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बूटे लेके आई हूँ जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और बनाने में भी बहुत सरल है। ये देखो, दो कलर का मैंने बनाए हैं, नीचे से शुरू होते हैं, ये देखो यहाँ से शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। ये देखो जी, एक साल 6 मंथ तो लेके 1 साल के बच्चे तक आराम से आ जाएंगे। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। जी मैंने 36 फंदे डाल के 2 सिलाइयाँ मैंने डाल ली हैं, एक दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने डाल ली, 36 फंदे डाले हैं और दोनों तरफ से हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ डाल ली। अब क्या करना है, अब हमने फंदे बढ़ाने हैं। पहले 2 फंदे बुन लिए हमने, चाहे तो आप ऐसे बना लो चाहे आप जाली की तरह बना लो, मैंने ऐसे बनाए। एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे फिर डाल के फिर हमने 2 जाली डालनी है, 2 फंदे और बढ़ाने। फिर हमने सॉरी जाली नहीं फंदे, एक फंदा बढ़ाया फिर 2 फंदे हमने बुन लिए, फिर एक फंदा और बढ़ा दिया, इधर 15 फंदे हमारे रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 हमने छोड़ने पीछे, फिर 15 फंदे हमने बुन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया। उल्टी सिलाई पूरी सीधी डाल लो, फिर अगली सिलाई आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पहले हमने 2 फंदे बुने थे ना, अब हमने 3 फंदे बुने, 1 2 और 3, फिर फंदा बढ़ाना। हमारे 4 फंदे बढ़ते हैं हर सिलाई में। हमने 36 फंदे डाले थे और 56 फंदे हमने करने हैं, 56 फंदे करने हैं, फिर 15 फंदे हमने बुनने। ये देखो 3 फंदे हमने बुन के एक फंदा बढ़ाया, फिर 15 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, फिर हमने यहाँ फंदा बढ़ाना। अब हमने 4 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 और 4, पहले 2 बुने थे अब 4, फिर 6 आएंगे। हर सिलाई में 2-2 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, 2 बुन के बढ़ाया था, फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे आप बढ़ाकर पूरे 56 फंदे आप कर रहे हैं। पूरे 56 फंदे करने हैं हमने, फिर उसके आगे हम आगे करेंगे। सीधी सिलाई में ये बढ़ेंगे और उल्टी सिलाई सिंपल उल्टी ही बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना। ये देखो 3 बच गए और फिर फंदा हम बढ़ाएंगे। ये हमारे हर सिलाई में 4 फंदे बढ़ते हैं, हमने 6 सिलाइयाँ डालनी है और
20 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। 20 फंदे बढ़ा के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हमारी हो गई। पहले हमारे 2 फंदों के बाद बढ़ाया था, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। इसी तरह इधर 6 के बाद इसी तरह बीच में पहले 2 रखे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए और फिर 10 हुए। अब क्या करना, हमारे फंदे तो गए बढ़, 56 फंदे हो गए हमारे, 36 फंदे हमने डाले थे तो 56 हो गए। अब हमने दोनों तरफ से सीधी उल्टी सिलाई बुननी है। 6 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी की बुननी है। ये वाला हम पोर्शन बनाने जा रहे हैं, ये वाला। हम ये वाला पोर्शन हम बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी 6 सिलाइयाँ हमने डालनी। सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, कुछ नहीं करना, बस सीधी उल्टी बुन के अपने 6 सिलाइयाँ डाल लेना। ये देखो, ये 6 सिलाइयाँ हो गई, पीछे से गिनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना, आप चाहो तो ऐसे फंदे उठा सकते हो यहाँ से सिलाई के साथ, ऐसे ऐसे पूरे फंदे आपने उठाने हैं। पर लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इस तरह किया, वो भी आपको दिखा देती हूँ। पहले फंदा उतारा, ये पीछे से देखो, ये वाला लाइन जो हमारी 6 वाली लाइन थी ना, वही वाली है। यहाँ से फंदा उतारा, उठाया, ये वाला, दो का एक कर दिया, फिर फंदा उतारा पीछे से, जो लास्ट आया था आती ना सिलाई, वो वाला फंदा, ये देखो, फिर फंदा उतारा पीछे से, जो आपने 1 2 3 4 5 6 आई है ना, जो लास्ट वाली लाइन है, इसमें फंदा उठाना, 1 2 3 4 5 6, ये वाली, ये 6 वाली, दो का एक, आ रही, ये फंदा उतार लिया पीछे से, ऐसे उठाया, दो का एक, ये फंदा उतारा पीछे से, यहाँ से उठाया, जो आपको आसान लगता है वो आप प्रोसीजर कर सकते हो, चाहे इकट्ठे फंदे उठा लो, चाहे ऐसे, जो आपको आसान लगे। पहले फंदा उतार लेना ऐसे ही पीछे से, आराम से, ये फंदा नज़र आता है, उठाया,
दो का एक कर दिया, फिर फंदा उतारा, फंदा उतारा, आपको जो आसान लगे वो ही कर लो। ऐसे आप पूरे आप फंदे बंद कर लेने। ये आपको ये आसान लगे तो ये कर लेने, तो फंदे पूरे आपको सिलाई में डाल के फिर पीछे से बंद करने हैं। पीछे से ऐसे उठा के, जैसे आपको मैंने दिखाया ऐसे, ऐसे उठा के फिर बंद कर लेने, फिर दो का एक ऐसे करके दो का एक करते जाना, जो आपको आसान लगे। मेरे को ये आसान लगा, मैंने ये कर लिया, ऐसे फंदे उठा के फिर दोनों को ऐसे करके फिर दो का एक करते जाना। फंदा ऐसे उतारा, ऐसे पूरे बंद कर लो। अब हमने क्या करना है, अब हमने फंदे डिवाइड करने हैं। आठ फंदे हम, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, पंद्रह फंदे हमने सिलाई इसमें डाल लिए, पंद्रह इधर से पंद्रह इधर से, और छब्बीस फंदे हमारे बीच रह जाएंगे। छब्बीस फंदे हमने बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस, 26 फंदे हमने बीच ले लिए, और 15 15 फंदे हमारे इधर आ गए दोनों तरफ। अब हमने ये वाले फंदे ही बुनने हैं, ये वाले, या हम दूसरा ये वाला डिज़ाइन डालना, ये वाला। अब हम ये बुनने जा रहे हैं, वाइट धागा डालेंगे अब। उल्टा सीधा फंदा हमने यहां से बुनना है,
फिर उल्टा, ऐसे नहीं बुनना, यहाँ से जो सेंटर आ नहीं रहा इसके अंदर से, यहाँ से एक सीधा उल्टा ही है, दोनों तरफ से सीधा उल्टा ही आएगा, पर जो सीधा फंदा वो हमने यहाँ से हमने लेना है, उल्टा वैसे ही, सीधा फंदा हमने यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से एक उल्टा और एक सीधा, उल्टी सिलाई, ये देखो जो आना ये वाला यहां से लेना, उल्टा सिंपल, सीधा हमने यहाँ से लेना, वैसे हम ऐसे बुनते हैं ना, ऐसे नहीं बुनना, इन इसके बीच में लेना ये वाला पोर्शन, ये वाला दोनों तरफ से सीधा उल्टा ही बुना, बस सीधा फंदा लेना हमने बीच में यहाँ से, उल्टा सिंपल ऐसे पूरा आप कर लो, बीच में ऐसा ही आपने पूरा कर लो, ये देखो
ये देखो ये 14 सिलाइयां मैंने डाल ली, 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयां डाल के अब हमने इसको फिर डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ हम इसका ये लगा लेंगे, 8 इधर और 8 इधर, और 10 फंदे हमने बीच वाले बुनने। अब क्या करना है, हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ अब चढ़ानी है, सीधी सीधी बीच वाले 10 फंदे हमने अब बुनने हैं। दस वाले फंदे हमने 9 फंदे बुन के, ये देखो ये हम उतार देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 बुन के 10वां फंदा हमें वैसे उतार लेना ऐसे और पीछे वाला फंदा बुन लेना। इसको हमने इसके ऊपर से ऐसे कर देना वापस। ये 8 फंदे थे, अब 7 रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 अब फिर सीधी सिलाई चढ़ानी है, पुट्ठी नहीं चढ़ानी, उल्टी नहीं चढ़ानी, ये वाला बनाना हमने, ये वाला। हाँ देखो फंदा ऐसे उतार लिया, इसे बुनकर इसके ऊपर से ऐसे लगा लिया उल्टी सिलाई। सीधी ही बुननी है, उल्टी सिलाई भी सीधी ही बुननी है। ये 10 फंदे हैं हमारे, ये 9 बुन ले हमने, 10वां फंदे को हमने धागा आगे करके इधर से एक फंदा लेना, हमने एक फंदा ये हो एक इधर से लेना, इनको 2 का 1 कर देना सिंपल। यहाँ से हमने फिर टर्न वापस, ये फंदा उतार लिया, ये बुन लिया, इसे इसके ऊपर से ऐसे लगा देना। ये पूरी सिलाई सीधी जाएगी, धागा आगे, ये फंदा एक है ना, एक इसको आगे से ले लेना, 2 का 1 कर देना। ये देखो ऐसा आ जाएगा, चेन चेन सी आ रही है, देखो ऐसे पूरे फंदे आपने ख़त्म कर लो, पूरे फंदे आप ख़त्म कर लो ऐसे। ये देखो पूरे फंदे हमारे बंद हो गए, 10 फंदे रह गए हमारे। अब हम इनको सीधे उल्टा ही सिलाई चढ़ानी है, सीधी तरफ सीधी उल्टी तरफ उल्टी, 12 सिलाइयाँ आपने चढ़वानी है। ये वाला पोर्शन हमने बनाना है, ये वाला 12 सिलाइयाँ आपने सीधी उल्टी की चढ़ा लो। सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, देखो ये सीधी उल्टी तरफ से हमने उल्टे ही फंदे लेने।
12 सिलाइयां आप ऐसे कर लो। बारह सिलाइयाँ हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सिलाइयाँ हुई। जा तो आप इसे बंद करके सुई के साथ ऐसे सिलाई कर दो, नहीं तो आप फंदे जहाँ से उठाकर फिर कर दो, नहीं तो मैंने जैसे ये बनाया मैंने ये वाला वैसे कर लो, मैंने वैसे ही किया। देखो पहला फंदा उतारा, पीछे से ये फंदा उठाया, दो का एक कर दिया, फिर फंदा इसमें सिलाई में लिया, पीछे से उसे उठाया, दो का एक, और जो पहले बुना हुआ फंदा इसके ऊपर से ऐसे इसको साथ साथ हमने बंद भी करना है, बंद बहुत टाइट नहीं करना, बिल्कुल ढीला छोड़ना। इस फंदे के इसके ऊपर से ये साथ साथ हमारा बंद भी हो जाएगा, और आपको जो निशान लगे वो बना लो, सुई के साथ भी सी सकते हो आप। बंद हो गया ऐसे आप पूरा कर लो, ये देखो ये पूरा हो गया। अब हमने ये वाले फंदे ये हो गए, ये फंदे भी हमने सिलाई निकाल के उल्टे कर लेने, अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ एक दो तीन चार पाँच छः 12 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी कर लेंगे। दोनों तरफ से सीधी सीधी ही आएंगी 12 सिलाइयाँ, 24 हाँ 12 6 करनी है ना, 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच छः 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ये 6 करके फिर आगे आपको मैं बताती हूँ, ये पूरे 6 कर लो आप,
फिर आगे ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिलाइयाँ मैंने डाल ली। अब हमने ऊपर ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला। अब हमने वाइट धागा लगाना है, और सीधी उल्टी सिलाइयाँ हमने चढ़ानी है। ये साथ साथ ले जाएंगे। सीधी उल्टी हमने 12 सिलाइयाँ करनी है। बारह सिलाइयाँ हमने जो धागा हम यहाँ से काट रहे हैं। सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई डाल के 12 सिलाइयाँ आप कर लो। ये देखो 12 सिलाइयाँ हो गई। अब उसी तरह आप इसको बंद करना चाहते हो, तो सुई के साथ सीना चाहते हो, आपकी इच्छा। ये ऐसे ही करना है जैसे पहले किया, तो फिर ऐसे फंदा उठाया और जहाँ से फंदा उठाया दो का एक, फिर फंदा ऐसे उठाया। आप जो आपको आसान लगे वही करना। जो सुई के साथ सीना चाहते हो तो सुई के साथ सी लो, ऐसे फंदा इसके ऊपर से ऐसे साथ साथ ही बंद होता जाएगा ये वाला। ऐसे आप पूरा ये भी बंद कर लो। यहाँ से हम डोरी डाल लेंगे। फिर यहाँ से ये कलरफुल है ना, बड़ी आसानी से नज़र आएगा ये फंदा, ये वाला फंदा। ऐसा पूरा आप बंद कर लो। पूरा ऐसे बंद कर लो। ये देखो ये पूरा हो गया। अब क्या करना, अब नीचे की हमने ये सिलाई करनी है, ये सिलाई करनी है और ये वाली करनी है। ये वाली पूरी कर लेंगे और इधर भी ऐसे पूरी करेंगे। यहाँ नहीं करनी, बस यहाँ तक छोड़ देना। यहाँ भी पूरी कर लेंगे, नीचे भी कर लेंगे और इधर भी कर लेंगे। ये पूरी करके फिर आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा बन गया। जहाँ से भी सिलाई कर दी, जहाँ से भी कर दी, नीचे भी कर दी। अब इसकी हम डोरी बनाएंगे।
एक दो और तीन, थोड़ा लंबा कर दिया, फिर बल देख के जो दूसरे वाले में हमने डाल देना, दूसरे वाले में डाल के फिर ऐसे बल दिया, दो बार हो गया, एक बार और देते हैं, तीन बार देना, तीन बार देख के फिर इसी में सारे निकाल के जो लास्ट वाला था ना इसी के अंदर ऐसे कर दिया, फिर दो का एक, फिर एक और दो, फिर ऐसे ही इतना लंबा करके ये वापस दूसरे वाले में डाल देना, जो हो गया, फिर एक बार और, एक बार तीन बार करना, तीन बार हो गया, अब इसी को इससे मंगाया, वापस इसको इसके साथ ऐसे किया, दो का एक कर दिया और वापस यहाँ से फिर जो हमने ये वाला बनाया था ना अब डोरी आप चाहे तो सिंगल धागे से बना सकते हो और डबल धागे से कर लो, मैंने दो धागे लगाए हैं, मैंने साथ में वाइट धागा लगा लिया, ऐसा धागा नाल ऐसे मैंने जोड़ के दो कलर की बनाई मैंने डोरी। ऐसे पूरी बना लो, पूरी बना के फिर हम उसमें डाल देंगे, दूसरे तरफ भी आप ऐसा ही बना लेना, पूरी डोरी बना के फिर आपको मैं डालना सिखाती हूँ। देखो ये बन गई है, पहले इधर डालना छोटे वाले में,
ये वापस ये टाइट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए बनाए और हमें कमेंट दें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपको।